हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आपके लिए आया हूं और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात जो करेंगे एक नई केस के बारे में बात करेंगे। BTSC 10709 ANM की जो वैकेंसी है उस पर एक और नई केस यहां पर आज आपको देखने को मिलेंगे। अब ये केस यहाँ पर हाईकोर्ट में है। अब ये हाईकोर्ट में केस बार बार क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें क्या क्वालिफाई वाला जीतेंगे, क्वालिफाई वाली का कितना यहाँ पर परसेंटेज है जीतने की, ये भी हम लोग उम्मीद देखेंगे। चलिए आगे करते हैं जानकारी को। बता दूँ मैं आपको, ये पटना हाईकोर्ट का जब आप लोग वेबसाइट चेक करिएगा तो आपको ये जानकारी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग जब देखिएगा तो देख पाएंगे LPA 360/2024 यहाँ पर देख पाएंगे। और इस LPA में अगर हम लोग जिक्र करें तो ये पटिशनर इसमें BTSC ही हैं जो कि इसका एडवोकेट निकेश कुमार है। और ये अगर आप लोग बात करिएगा तो कॉज लिस्ट नंबर 37 पर आज ये लिस्टेड है और ये 16/5/2024 यानी कि आज की डेट में ये लिस्टेड है, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस इसका पेंडिंग है। आप लोग को मैं बता दूं, पिछले बार जब इस केस को सुना गया था तो वाइड ऑर्डर यानी कि जो डिफेक्टिव था उसको हटाया गया था। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे इसका एक हियरिंग यहाँ पर 24 अप्रैल को हुआ था जिसमें वाइड ऑर्डर यानी कि डिफेक्टिव को हटा दिया गया। आज ये दूसरा बार यहाँ पर लिस्टेड हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि आज जो लिस्टेड हुआ है 37 नंबर पर, इसका क्या परिणाम निकल कर के आता है। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं एक बात, ये BTSC के द्वारा केस किया गया है, LPA नंबर 360/2024 है। हालांकि ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा लेकिन केस है तो अभी पूर्ण रूप से कहना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब जब तक इस पर क्लियर नहीं हो जाता तब तक कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ पर मेन था LPA उसको यहाँ पर क्लियर कर लिया गया है, आप लोग देखे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका नहीं रह जाएगा। फिर भी सुनवाई होने दीजिए, अब क्या कुछ डिसीजन आती है मैं आप लोग को पुनः बताऊंगा। साथियों एक बात और मैं बता दूं, जो आप लोग को सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पर आप लोग के अवियट जो दर्ज किया गया है उससे बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया ही है तो सभी लोग इंतज़ार कर लेंगे कि क्या होता है। जो भी होगा सबके सामने आएगा, सब लोग खुद भी देख पाएंगे और आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से अपडेट भी दे दूँगा। तो आज का यही अपडेट था, अब हम लोग वेट करेंगे। ये 37 नंबर पर है तो करीब हम लोग को 12 से 1 के बीच में जानकारी तो आ ही जाएंगे कि इस केस का क्या हुआ, ठीक है। अब जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, जैसे नई जानकारी आएगा उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आपके पास तक जानकारी मिलते रहेंगे। सभी को थैंक यू।